नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कुर्ती के फ्रंट में नेट लगाकर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मटेरियल जानेंगे कि हमें योग डालने के लिए जो हमने मटेरियल लिया है क्या क्या लिया है। ये हमारा कमीज का फ्रंट होगा जिसमें हम बोट शेप गला बनाएंगे और यहाँ पे योग डालेंगे नेट का। ये मैंने नेट वाला कपड़ा लिया हुआ है, इस तरीके की हमारी ये जालीदार नेट होगी। और ये मैंने लेस ली है जो हम लेस भी यूज करेंगे। और ये मैंने इस तरीके के ये डिजाइनिंग के लिए मैंने ये मिरर लिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमने यहाँ पे कटिंग करनी है अपने योग की और गले की। तो हम यहाँ पे बोट शेप में एक गले का निशान लगाएंगे। हमें जो बोट शेप का गला कटिंग करना होता है, जो हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं वो रखते हैं 9 इंच, तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और डीप गला रखना है हमें यहाँ पे 3.5 इंच। तो इस निशान से, नीचे वाले निशान से और शोल्डर के निशान पे जो हमने ये लगाया है, यहाँ पे हम इस प्रकार की बोट शेप डाल देते हैं इस तरीके से। और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब हमने डालना है योग नीचे की साइड। आपने क्या देखना है कि जो हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग की है, हमने देखना है हमें डीप कितना रखना है। तो यहाँ पे हमें योग हम ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि नेट वाला है, तो 7 से 7.5 इंच रख सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इसको 8 से 9 इंच रखेंगे तो यहाँ पे ये डीप हो जाएगा योग हमारा और वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने ऊपर से एक निशान लगाना है 7 इंच का, और यहाँ पे हम इस प्रकार का एक योग डालते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो ये मैंने निशान लगाया है, इस निशान से हम आधा आधा इंच का एक गैप छोड़ते हुए एक निशान और लगा लेते हैं, और इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा ये पीस एक अलग हो जाता है इस तरीके का। हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पीस को तैयार कटिंग करना है नेट वाला। यहाँ पे हमने जो कपड़ा लिया है नेट वाला, उसको इस प्रकार हम डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से। और जो हमने ये फ्रंट का पीस जो कटिंग किया है योग वाला, इसको हम इस प्रकार ऊपर की साइड इस तरीके से रखते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपने क्या करना है, जो हमारी ये वाली साइड आएगी ये बिल्कुल हम बराबर कटिंग करेंगे, इस साइड की भी बराबर कटिंग करेंगे और ये साइड भी हम बराबर कटिंग करेंगे। नीचे की साइड हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा आधा इंच का मार्जिन दबाव का रहेगा, इसलिए हमें कम से भी कम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन जरूर छोड़ना है। नीचे की साइड इस तरीके से कटिंग करनी है, बाकी सभी साइड से हम बराबर कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे इस पीस को इस तरीके से रख के देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे तैयार आएगा इस तरीके से। दोस्तों, ये हमारा योग कटिंग होके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। गला बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो हमारा योग होगा, हमें यहाँ पे ये अटैच करना है। इसको अटैच करने के लिए हम योग को भी उल्टी साइड रखते हैं और जो हमारी कमीज का फ्रंट होगा उसको सीधी साइड, और एक साइड से मिलाते हुए इस प्रकार यहाँ पे हमें एक पैर चौड़ी सिलाई लगानी है। एक पैर से ज़्यादा चौड़ाई वाली आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है।
प्रकार हमने ये योग अपना यहाँ पे अटैच कर लिया है, जो कि सीधा होने के बाद हमारा इस प्रकार नजर आएगा। यहाँ पे हमारी ऊपर की साइड ये कच्ची लब आ जाती है, तो यहाँ पे मैंने एक लेस ली है जो हम ऊपर से लगाते हुए तैयार करेंगे इस प्रकार। इस प्रकार दोस्तों हमने एक साइड ये सिलाई लगा के कंप्लीट की है अपनी लेस भी, और यहाँ पे हमारा नीचे दबाव जो होता है वो नीचे दब जाता है लेस के, और ऊपर हमारा बिल्कुल सफाई से ये पीस तैयार होता है। नीचे की साइड भी हमारी यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सफाई आ जाती है। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना है, ऊपर का गला तैयार करना है। गला तैयार करने के लिए हम कमीज का फ्रंट उल्टी साइड ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पे हमें 1.25 इंच चौड़ाई वाली एक पट्टी लेनी है, रेब की पट्टी होगी जो हमारी कमीज वाले कलर की होगी। इस पट्टी को हम रेब वाली पट्टी को इस प्रकार डबल कर लेते हैं, और यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। अब हम इस प्रकार सीधी साइड ऊपर करते हुए इस पट्टी को बाहर की साइड इस तरीके से पलट लेते हैं, और ऊपर की साइड हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ऊपर की साइड यहाँ पे ये रेब वाली पट्टी तैयार कर ली है, और हमारा यहाँ पे गला भी तैयार हो गया है। हमारा गला और योग तैयार करने के बाद मैंने आपको जो बताया था, हम यहाँ पे लगाने हैं हमें मिरर। जो हमारे मिरर हो गए ये हमारे इस प्रकार होंगे, जैसे आपने जहाँ पे भी लगाना है नीचे की साइड आपने इस प्रकार एक मिरर रखना है, और ऊपर की साइड उसकी ये जो हमारी बाउंड्री होती है इसको रखना है इस प्रकार से। जहाँ जहाँ पे भी आपने लगाना है इस तरीके से, आप इनको धागे से भी लगा सकते हो या आप इसको चिपका भी सकते हो। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे नेट के ऊपर अपने सभी मिरर हमने चिपका के सभी तैयार किए हैं, और इस प्रकार हमारा ये नेट वाला योग भी तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने पूरा ये फ्रंट अपना कुर्ती का तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।